हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ विटामिन B12 के बारे में। डिस्कस करेंगे विटामिन B12 है क्या, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, फर्मेंटेशन कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होगा एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, इसकी मतलब रिकवरी बेसिकली हम कैसे करते हैं फर्मेंटेशन के बाद। तो वीडियो का आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, एंड तक देखना है अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन B12 के बारे में डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन B12 है क्या। जो हमारा विटामिन B12 है उसको हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। ये आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये किसका कम किस फैमिली को बिलोंग करता है, कोबालामाइन फैमिली को बिलोंग करता है कंपाउंड्स की। ये कंपोज होते हैं किसकी, कोरिनोइड रिंग्स की, जिसमें जो अपर और लोअर लाइगेंड मिलता है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ लाइगेंड मिलेगा, एक नीचे की तरफ लाइगेंड मिलेगा। जो अपर लाइगेंड होता है, ठीक है, ये देखिए जहाँ पर हमने क्या बना रखा है, आर बना रखा है। अब ये जो आर ग्रुप है यानी कि जो अपर लाइगेंड ग्रुप है, इसमें क्या हो सकता है, एडिनोसिन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है, या फिर कोई भी साइनो ग्रुप हो सकता है। जो विटामिन B12 है वो सिंथेसाइज होता है प्रोकैरियोट्स में, और साथ साथ क्या करता है, इनहिबिट करता है डेवलपमेंट को किसके, यस, पर्नीशियस एनीमिया को। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि जिनमें क्या मिल रहे हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल मिलता है, जिसमें डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की, तो ये एक डिजीज़ कह सकते हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है जिसे हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्टमक लाइनिंग हो जाती है, वीकनेस फील होती है पर्सन को। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C63H88CONO14P। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, किसका प्रोडक्शन होता कैसे है। जो विटामिन B12 है वो एसेंशियल है विटामिन है, जो कि वाइडली यूज़ होता है एज अ मेडिसिन एनल एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में। जो विटामिन B12 का बायोसिंथेसिस है वो कन्फाइंड है टू कुछ बैक्टीरिया, कुछ आर्किया के लिए। जो भी प्रोडक्शन है वो रिलाइज़ करता है किस पे, यस, फर्मेंटेशन पे। हालांकि इसका केमिकल सिंथेसिस भी किया जाता है, बट वो हमारा कंसर्न टॉपिक नहीं है। हम फिलहाल मेनली जो हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में वो फर्मेंटेशन पे एंड बायोसिंथेसिस पर रहेगा। जो माइक्रोबियल डीनोवो बायोसिंथेसिस है विटामिन B12 का, वो टू प्रोसेस में होता है, या मैं कहूँ टू पाथवे चलते हैं उसके, एक एरोबिक होता है एंड एक होता है एनारोबिक, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें एरोबिक वाला चलेगा एंड आर्किया में मोस्टली एनारोबिक वाला। कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज कर सकता है कोबालामाइन को बाय अब्जॉर्बिंग कोरिनोइड, ठीक है, कैसे, साल्वेज पाथवे से, जो कि एक अलग पाथवे है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। जो फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस है अगर हम उसको केयरफुली डिज़ाइन करें, ठीक है, वो क्रूशियल होता है किसके लिए, कि जिससे हमारा जो भी पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस चलने वाला है विटामिन B12 का, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई रहे। जो सोर्स है कार्बन का वो यहाँ पर हम स्टार्च हाइड्रोलाइजेट्स का यूज़ करते हैं। कुछ कभी कभी हम शुगर बीट मोलेसिस का भी यूज़ करते हैं, कॉमनली मतलब ये यूज़ होते हैं। देन हम इसमें फैट बैच फर्मेंटेशन को अप्लाई करते हैं। अब फैट बैच फर्मेंटेशन क्या होता है, यस, आपको याद होगा मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ बैच फर्मेंटेशन, फैट बैच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, जिसमें हम क्या करते रहते हैं, बार बार फैड करते रहते हैं, बट जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है वो बैचेस में निकलता है। देन ग्लाइसिन बेटेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं शुगर बीट मोलेसिस में, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ज्यूम्स रेट्स के। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एट फर्स्ट विटामिन B12 जो ह्यूमन थेरेपी है, ठीक है, और साथ साथ कुछ फूड में एंड फीड सप्लीमेंट्स में से ऑब्टेन होता है एज अ बायो प्रोडक्ट। जब हम क्या बना रहे होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक होती है वो बना, या फिर नियोमाइसिन, या फिर कुछ कभी कभी क्लोरा टेट्रासाइक्लिन, उसके फर्मेंटेशन के दौरान क्या हमें एज अ बायो प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो गुड स्ट्रेन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं उसको आइसोलेट किया जाता है मैन्योर सेंड्स, जो सीवेज स्लज होते हैं उनको भी वहाँ से आइसोलेट किया जाता है। कुछ म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो हमें पहले से स्ट्रेन मिला है उसकी क्वालिटी को वो क्या कर देंगे, और ज़्यादा एनहेंस कर देंगे। बट सब केसेस में
जो भी हम चाहे म्यूटाजेनिक स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं या हम सीवेज स्लज से हम आइसोलेट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कोबाल्ट आयन और 5,6-डाईमिथाइल बेंजी मिडाजोल यानी कि 5,6-DMBI ऐड करते हैं इन एडिशन टू प्रिकर्सर्स जैसे कि ग्लाइसिन, थ्रियोनिन एंड एमाइनो प्रोपेनॉल। अब हम बात करेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ दी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, देन कौन कौन से मीडियम कंपोनेंट वो यूज़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन, देन कंडीशन कौन कौन सी होंगी फर्मेंटेशन के लिए, एंड कितना विटामिन B12 प्रोडक्शन होता है। तो पहला है प्रोपिनोबैक्टीरियम की एक स्पीशीज़ है कौन सी, फ्रूडन रेची, जो कि मेन कंपोनेंट जो यूज़ करती है मीडियम का वो होता है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि कार्बन सोर्स के जैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है इसमें, एनएरोबियोसिस 5,6-डाईमिथाइल बेंजी मिडाजोल, और जो विटामिन इसमें प्रोड्यूस होता है वो 206 होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है। और जो सबसे कम इन स्ट्रेन में हो रहा है वो कौन सा है हमारा, आर्थ्रोबैक्टर हाइलिनस, जिसमें हम मेन कार्बन जो मेन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं कल्चर मीडियम का वो होता है आइसो प्रोपेनॉल। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो है 5,6-डाईमिथाइल बेंजीमिडाजोल, और देन जो हमारा प्रोडक्शन हमें मिलता है वो होता है 1.1 mg/L। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद करना चाहते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 का बायोसिंथेसिस होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए। मोस्टली जो स्टेप्स होते हैं किसमें बायोसिंथेसिस में विटामिन B12 के, वो कैरेक्टराइज रहते हैं सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस में, साल्मोनेला ट्राइफिकम में, प्रोपिनोबैक्टीरियम फ्रेडरेंची में। एंड कुछ ऑथर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो रिक्रूटमेंट है वो कितनी होती है, 30 जीन्स की होती है पूरे जो भी हमारा कोबालामीन है यानी कि विटामिन B12 है उसके डीनोवो सिंथेसिस के लिए। और जो ये टोटल अगर मैं बात करूँ, जो 30 जीन होते हैं टोटल बैक्टीरियल जीनोम का 1% होते हैं। जो डिफरेंट बायोसिंथेटिक रूट हैं विटामिन B12 सिंथेसिस के नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो कैसा है, पहले तो एरोबिक हो सकते हैं या एनएरोबिक हो सकते हैं। जो एरोबिक है मोस्टली प्रिसाइजली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे होते हैं कौन से, एरोबिक है ना, और किस में मिलते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। देन एनारोबिक इसे मोस्टली कौन, एक तो कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, आर्किया, ठीक है, उससे अलग भी कुछ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं जिसे एनारोबिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है स्यूडोमोनास शेल मैरिनी, ठीक है, साल्मोनेला ट्राइफीम्यूरियम एंड बेसिलस मेगा टेरियम। जो मेजर प्रॉब्लम है विटामिन B12 प्रोडक्शन की वो क्या है, जब हम यूज़ करते हैं क्या, प्रोपिनोबैक्टीरियम, जो कि क्या करता है, इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेल्स हैं उसमें, ठीक है, जहाँ पे सेल है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है एक इनहिबिटरी मेटाबोलाइट जैसे कि प्रोपिनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है। बट यस, उसके भी तरीके होते हैं कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। एक बार जल्दी से बायोसिंथेटिक पाथवे देख लेते हैं हम किसका, विटामिन B12 का, जो कि शुरू होता है सक्सिनाइल को ए से, जो कि सक्सिनाइल को ए में कहाँ मिलता है, क्रैब साइकिल में मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है, क्रैब साइकिल में, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसका, जो कि फर्दर ग्लाइसिन के एडिशन से क्या बनाएगा, डेल्टी अमीनोलिवोनिक एसिड, जो कि फर्दर प्रोसेसिंग से क्या बनाएगा, पोर्फोबिलिनोजन। देन पोर्फोबिलिनोजन फर्दर प्रोसेसिंग करके आप क्या बनाने वाला है, यहाँ पर उरो पोरफायरिनोजन थर्ड। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे रिएक्शन चलेंगे अलग अलग स्टेप्स में जाएंगे जिनकी हमें फ़िलहाल नीड नहीं है, हमारा मेन फोकस रहेगा विटामिन B12 पे। तो जो कि ग्लाइसिन बिटेन, ठीक है, ऐड होगा उसमें, ठीक है, जिसमें क्या होगा CO2 पॉजिटिव मिलकर के किसके साथ, उरो पोरफायरिनोजन क्या बनाएगा, कोबिरिनिक एसिड, जो कि फर्दर किसके एडिशन से, 1-amino-2-propanol के एडिशन से क्या बनाएगा, हमारे पास कोबिनेमाइड बनाएगा। अब जो ये कोबिनेमाइड है इसमें फर्दर एडिशन होगा किसका,
फाइव प्राइम डिसोक्सी एडिनोसिन, जो कि क्या बनाने वाला है फर्दर, फाइव डिसोक्सी एडिनोसाइल कोबिनेमाइड, जो कि फर्दर जीटीपी के एडिशन से क्या बनाने वाला है, फाइव डिसोक्सी एडिनोसाइल कोबिलेनेमाइड गुआनो गुआनोसिनेडो सिनेडी फोस्फेट। देन फर्दर इसमें एडिशन होगा किसका, 5,6 डाईमिथाइल बेंजीमिडासोल, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, राइबोफ्लेविन से मिलती है, और ये क्या बना देगी हमारा एंड प्रोडक्ट विटामिन B12 बना देगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, वो है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा, सबसे पहले ये तो इमेज ब्लर है तो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो विटामिन B12 है वो हमें डिजोल्व फॉर्म में मिला है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले तो होती क्या है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो भी पूरा प्रोसेस होता है आफ्टर फर्मेंटेशन, जो कि हम प्रोडक्ट रिकवरी के लिए करते हैं, वो किस में आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है, जिसके अलग अलग तरीके से हम किया जाता है। तो सबसे पहले डिजोल्व करेंगे डिजोल्व फॉर्म में विटामिन B12 मिलेगा, जिसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सेल मास में, ठीक है। एक क्रीम फॉर्म मिलेगी हमें, ठीक है, जिसको हम सेल मास कॉन्सेंट्रेट की तरह भी रख सकते हैं, या फिर फर्दर हम प्रोसेसिंग करेंगे विटामिन B12 के एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि अल्कोहल में होता है, जैसे कि मेथनॉल, या फिर हम हीट के थ्रू भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देन हमें क्या मिलेगा, एक डिजॉल्व्ड विटामिन B12 मिलेगा यहाँ पर, जिसको हम फर्दर प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, ब्रोथ से, कैसे, एड्जॉर्प्शन के थ्रू, क्लियरिफिकेशन के थ्रू, या फिर फिल्टरेशन के थ्रू, जो कन्वर्जन है टू द साइनो फॉर्म, टू फॉर्म किसके प्रेजेंस में होगा, 0.1% केसीएन की प्रेजेंस में। अब हमें क्या मिलेगा, अभी भी डिजोल्व विटामिन B12 मिलेगा, जो कि फीड क्वालिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होगी, हम इसमें कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे, XAD AL2O3 वाली। देन हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर विटामिन B12 मिल जाएगा, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के थ्रू, और हमें एक गुड क्वालिटी का, फूड क्वालिटी का क्या मिल जाएगा, यस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद विटामिन B12 मिल जाएगा। पहले जब हमने एक्सट्रैक्ट मिला किया था उसमें हमें क्या मिल रहा था, फीड क्वालिटी का, बट एंड में हमें फूड क्वालिटी का विटामिन B12 भी मिल जाएगा। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।